इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंड लेते हैं. व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड. देखिए प्रॉब्लम की अंडरस्टैंड लेते हैं, क्या यहाँ पर गिवन है. देखिए 360 रेवोल्यूशन लेता है व्हील 1 मिनट के अंदर, तो कितना रेडियन ये मूव करेगा 1 सेकंड के अंदर. समझते हैं प्रॉब्लम को. सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं. 1 मिनट में कितना है, 360 रेवोल्यूशन लेता है. तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास रखी हुई है, 1 मिनट पे 360 रेवोल्यूशन. ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है. ठीक है ना, यहां पर इसको लिख लेते हैं. ये हमें क्या है, ये गिवन दिया हुआ है और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे आस्क क्या किया गया है. हमसे यहां पे इसने पूछा है कि आप 1 सेकंड में ये बताइए कितना रेडियन ये करता है. कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को, समझते हैं. आइए अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं. देखिए यहां पर हमें जो गिवन है वो मिनट्स में गिवन है, ठीक है, और यहां जो हमसे पूछा गया है आस जो है हमसे वो किस में है, वो सेकंड में है. तो अब यहां पर कैसे करेंगे समझते हैं. सबसे पहले जो गिवन है ना उसी को ही सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है, कैसे करेंगे कन्वर्ट सेकंड में. देखिए 1 मिनट मतलब 60 सेकंड इज इक्वल टू 360 रेवोल्यूशन. ठीक है, 1 सेकंड के अंदर कितना हुआ, 360 डिवाइड बाय 60 रेवोल्यूशन. और 1 सेकंड के अंदर हम देखें तो देखिए कट करिए इसको, 0 से 0 कट करिए, इसको करिए 6 हो जाएगा. तो ये बनेगा आपका 6 रेवोल्यूशन. सो 1 सेकंड के अंदर आपको कितने रेवोल्यूशन मिल रहे हैं, यहां पे 6 रेवोल्यूशन. और यहां से पूछा क्या आपको, आपको यहां रेडियन पूछा है. तो यहां पर एक फंडामेंटल लिख लेते हैं. देखिए कोई भी कभी भी कुछ एक रोटेशन होती है, मान लेते हैं कोई बंदा इस तरह रोटेट करता है, पूरा रोटेट करता है, तो ये एंगल कितना बनाता है, ये 360 डिग्री का एंगल बनाता है, पूरा घूम गया. ठीक है, और यही कॉरेस्पॉन्डिंग कितने रेडियन के बराबर होता है, 2 रेडियन के बराबर होता है. तो ये एक रिलेशन होता है डिग्री में और रेडियन में, मगर ये किसके बराबर है, जब 1 रेवोल्यूशन होता है. तो जब 1 रेवोल्यूशन हुआ तो ये सारे फंडामेंटल मेरे सामने आ गए. अब यहां पर देखते हैं, प्रॉब्लम पर वापस आते हैं. देखिए यहां पर क्या कहा गया है, तो इसको एक और इलेबोरेटेड फॉर्म में लिख लेते हैं. ये हो गया 360 किस में है, डिग्री में है, 2π रेडियन में है, 2π रेडियन में है, और ये 1 रेवोल्यूशन में है. तो आपको रेवोल्यूशन देखिए यहां से मिल जाएंगे, 36 रेवोल्यूशन है. तो यहां पर क्या करेंगे, 6 रेवोल्यूशन लिख दीजिए इज इक्वल टू, रेडियन कितना हो जाएगा, 2π × 6, 12π यहां पर रेडियन हो जाता है, किसमें, 6 रेवोल्यूशन में. यही इसका आंसर हो जाएगा, कितना, 12π रेडियन. इस तरीके से हम इस टाइप की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग बड़ी सिंपल है. सबसे पहले देखना है गिवन क्या है, जो भी हमें गिवन है और जो भी हमसे पूछा गया है उसमें देखिए क्या रिलेशन बनता है. ठीक है ना, तो ये फंडामेंटल जो रिलेशन है ये दोनों को जोड़ता है. तो जैसे इसने जोड़ा तो हमें पता लिया कि ये एक अल्टीमेट रिलेशन है रेवोल्यूशन के बीच में और रेडियन के बीच में. तो रेवोल्यूशन दिया हुआ है, रेडियन निकालना है, मल्टीप्लाई 6 करना है, तो आपको 12π रेडियन मिल जाएगा. दोस्तों इस तरीके से हम इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू.